डॉक्टर साहब, अब बहुत खांसी आ रहा है, कपार भी बहुत फिर आ रहा है, हमारा इलाज कर दो नहीं तो मर जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। लो, शुरू हो गया। अब यहाँ से इन सब की तबीयत जल्दी जल्दी बिगड़ेगी और अंत में सबके सब मर जाएंगे। ओ जीजा भाई, जाकर पता करो कि भीम और जिन लोगों के साथ गया है वो, उन्होंने दवा के पैसे का इंतजाम किया कि नहीं, तो जल्दी जाओ। रे, लोग अभी तक गाए नहीं, अभी तक खाने क्यों? चीखो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, तुम लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाओगे और हॉस्पिटल में तुम्हारा ये हो जाएगा। सुनिए, वहाँ अस्पताल में सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या? डॉक्टर ने कहा है अगर अब भी इलाज नहीं होगा तो एक एक करके सब लोग मर जाएंगे। ये तो कितना बुरा होगा। भीमराव, अब तो मुआवजा मिलने से रहा, तो ये सोच के दवा के पैसे कैसे लाएगा? अब क्या तरीका है? भीम, अब क्या करोगे तुम? काकी, पहले चाल चलते हैं, वहां जाके मैं सबको बताऊंगा कि क्या करना है। आइए। जीजा भाई, तुम अस्पताल जाओ, बाकी लोगों का ख्याल रखो। जा, जा जल्द। कोई आइडिया है ये भीमराव क्या करने गया है क्या? बड़े साहब जी, भीमराव चाल गया है। मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा, ये भीमराव और उसकी पालटन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बड़े साहब जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ये दोनों तो वैसे ही बड़बोले हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अति आत्मविश्वास से भरे हुए। पर आपको क्या लगता है कि इनके कहने पर महानगर पालिका के अधिकारी कोई सख्त कदम उठाएंगे? और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही ये खुशखबरी आ जाएगी कि भीम की चाल के लोग मर गए। चीजों को अब हॉकी में नहीं ले सकते हैं। यू आर राइट, लेकिन हमें हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तब बताता, फिलहाल मैं थाने जाके आता। बड़े साहब जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा, कल सुबह तक कैसे भी करके उस पानी के खान की डिटेल रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है। पता चला कि उन्होंने मुझे ही जेल में डाल दिया। सर, आपने मुझे बुलाया सर? आश, काश तुम इस नरोत्तम को पकड़ लेते, ये सारी परेशानी ना होती। क्या लिखो रिपोर्ट में? कि नरोत्तम भाग्या? मेरा तो सर टेंशन से फटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो। कोई दवाई ला के दो मुझे। बड़े साहब जी, हमारा भाई लंदन से कुछ दवाइयां लाया था, बहुत ही असरदार है, लेते ही आपको आराम आएगा। एक काम करते हैं,
हम खुद ही आपके लिए दवा लेकर आते हैं। दरोगा, क्या लिखूं रिपोर्ट में? बताओ दरोगा। सर, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? और सर, इससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये तो और भी अच्छा है। अरे साहब जी, देखिए, हमने हर बार अपने पूरे मन से आपका साथ दिया। आपने जो कहा हमने वो किया। आप हमें धोखा दे रहे हैं, ये पाप है। अच्छा, तो जो आपने नरोत्तम के साथ किया वो क्या था? वो पाप नहीं था? उसने भी तो आपकी हर बात मानी थी। आपने जैसा बोला वैसा किया। आप कर रहे तो अमृत और हम कर रहे तो जहर। मैं शासन वर्ग का आदमी हूं। शासन वर्ग में बाबूखों के काम नहीं चलता। जो समय पे वाइट डिसीजन ले वही टिकता है, और कुर्सी के लिए जो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तभी तो 300-400 की संख्या में आने के बावजूद भी हम शासक बन गए, और तुम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी गुलाम ही रहे। वो सच कहते हैं कि तुम लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मोरे मुझसे भरोसा ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। रोगा, ले जा इसे। चलिए थाने। अपनी औकात फिर। मैं हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा सोच लेना। पर ये इस फिरंगी, ये बाहर के देश से आया हुआ है, इसका साथ दे रहे हो? मत भूलो कि हम इसी देश के एक साथ रहते हैं। हमारा साथ दो दरोगा, हमारा साथ। वाह वाह प्रचंड देव जी, वाह। कल तक आप इनके साथ थे तो सब ठीक था, और आज हम इनके साथ है तो आपको दिक्कत हो रही है। आज हमारे दो दुश्मनों का हिसाब हो गया। नरोत्तम जोशी लंदन भाग गया और प्रचंड देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे ये क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ हो? अरे सही कह रहा हूं जोखू भाऊ, प्रचंड देव को पुलिस रस्सी से बांधकर खींचते हुए लेकर जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। ए नंदू, झूठ मत बोलो। अरे प्रचंड देव जी और नरोत्तम जोशी समाज के माई बाप हैं, और उनको भला पुलिस ऐसे पकड़ के ले जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितेश भाऊ, एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, है ना भीमराव? सही कह रहे हो आप काका, और अगर सच में पुलिस प्रचंड देव को पकड़कर ले जा रही है तो ये कानून की सबसे बड़ी जीत है। ए, ए, दरोगा, ए, ए, इन छोटी जात वालों के सामने हमें सरेआम बेइज्जत मत कर। जल्दी निकल यहां से, निकल यहां से। क्या बोला तुमने, फिर से कहो। दरोगा, तुम ही बता दो क्या कहा इसने। सर, इन्होंने कहा कि इसे यहाँ से जल्दी ले जाए, ऐसे यहाँ सामाजिक बेइज्जती ना करे।
अपराधी, अपराधी की कोई इज्जत नहीं होती। ये एक अपराधी है, समाज का अपराधी है। ध्यान से देखा इसे, देखो सुबह देखा और सबक ला कि आगे से कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा, भले वो छोटी जात का भी क्यों ना है। ध्यान से समझ ला कि प्रशासन किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगा, इसीलिए समाज में सब लोग अच्छे से रहे और एक दूसरे की मदद करो। अब भीमराव, अभी तो बहुत खुश हो गए थे, प्रचंड देव को हम लोग ने गिरफ्तार कर दिया और ये नरोत्तम को लंदन भाग गया। नहीं देव जी, हमें अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस आधा न्याय है। ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। ऐसे न्याय को न्याय नहीं कहा जा सकता। सालों से यही होता आ रहा है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वो न्याय को हर बार अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है। और फिर ऐसे न्याय का कोई तात्पर्य भी नहीं होता। जो भी हो, लेकिन आज हमें जश्न मनाना चाहिए कि आज हमारे दो दुश्मन कम हो गए, एक तो जेल चला गया और दूसरा भाग ही गया। हाँ, इस बात का तो जश्न मनाना ही चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज का जश्न मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? जरूर मनाना चाहिए। किस बात का जश्न मनाओगी रमा? किसी के जेल जाने का या अत्याचार के खत्म होने का? लेकिन भीम, दोनों में फर्क क्या है? एक ही तो बात है। नहीं अम्मा, दोनों में बहुत फर्क है। हमें पापी के नाश का, उसे सजा मिलने का जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें पाप के नाश का, अत्याचार के खत्म होने का जश्न मनाना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, हम लोग अपराधी के पकड़े जाए का जश्न नहीं मनाते हैं, लेकिन कम से कम अपराध खत्म होए का तो जश्न मना सकते हैं ना? अब देखना ये है कि ये हितेश भाऊ अजोखू का करी है, अपने मालिक लोग के जाए के दुख में दुखी हुई है, ये हमारे जश्न में शामिल हुई है। अरे हम इतने बुरे थोड़ी ना हैं जो अपनी ही जात के विरोधी के खात्मे पर जश्न मनाए। मनाएंगे क्या जोखू? हाँ मनाएंगे, हम लोग जश्न मनाएंगे। अब जश्न की तैयारी शुरू की जाए, आज हमारी जात की जीत हुई है। पहले इन फूलों को अच्छे से देख तो ले। छोटी जात का होकर छोटी जात के बीच फूल बेचता है,
जबकि ये फूल हम ऊंची जात वालों के लिए बने हैं। देखा हा? अब ध्यान से देख कि ऊंची जात के ये फूल दिखते कैसे हैं। दिखा दिखा कि नहीं दिखा ना आज। अब इसी हालत में अपनी चाल में वापस जा और अपनी दुकान में रखे फूलों को ध्यान से देख देख और अंतर ढूंढ कि तेरे जैसे छोटी जात के लोगों के फूल दिखते कैसे हैं। और जब तुझे फूलों का अंतर समझ में आ जाएगा ना, तब हम तुझे हम इंसानों के बीच का अंतर समझाएंगे। रे 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 ची 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 ची। कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, अशुद्ध हो गया मैं तो। किसे छू लिया मैंने? अरे अभी तक यहीं बैठा है? तेरे बाप की जमीन है ये हा? चलो उठ उठ। अरे सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? उठ जल्दी उठ चल निकल यहां से निकल। अजान रास्ते में अपना ये चेहरा साफ मत करना। नहीं तो अगली बार तेरा चेहरा जमीन में गाड़ देंगे हम। हंसिए। क्यों हंसू? हंसिए तो। लेकिन क्यों हंसू? हंसिए नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगा। हंसिए। अच्छा ठीक है हंस रहा हूँ लेकिन बस 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 रमा अभी बताओ ये सब क्यों कर रही हो? बस थोड़ी देर के लिए भीमराव अंबेडकर के साथ एक पति पत्नी की तरह रहने की कोशिश कर रही थी। मतलब हम तो रोज ही रहते हैं पति पत्नी की तरह। नहीं रहते समझाते हुए मुद्दों पे बात करते हुए लोगों की परेशानियां सुनते हुए या फिर अपने विचार बताते हुए मेरे पति नहीं लगते बल्कि पूरे समाज के नायक लगते हैं। और उस समय मैं भी आपकी पत्नी कम और समाज का इससे ज्यादा लगने लगती। लेकिन अब चुप मैं अकेले ही बोल रही थी और आप आवाक से देख रहे थे और फिर मैं आपके हाथ झुला रही थी और आप हंस रहे थे ना, तब आप मेरे पति लग रहे थे। क्या करूं मेरा माँ, मैं अपने लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ और ज्यादा सोचता हूँ तो बोलता भी हूँ। वो सब मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। कितनी मुसीबतें हैं इनके जीवन में, संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। मैं बस इसी में उलझ जाता हूं। लेकिन मैंने कब कहा कि आप सिर्फ मेरे हो जाइए? आपकी रमा समझ चुके हैं
कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ उसके नहीं है, बस कभी कभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेरे पति होकर रहा किज, ऐसे ही ऐसा किज यही काफी है मेरे लिए। हसी चलो चलो अब बस हो गया। मुझे एक बात बताओ, तुम सच में पढ़ाई करने आई थी कि मुझे तंग करने? तंग करने? रमा थैंक यू। क्यों? सच कहूं तो जब से ये पानी की समस्या शुरू हुई थी तब से बहुत दिन हो गए मैं हंसना ही भूल गया था, लेकिन आज तुमने ये जो कुछ भी किया उसकी वजह से बहुत दिनों बाद मैं मुस्कुराया हूं। थैंक यू। भीमराव नहीं आएगा, भीमराव नहीं आएगा। प्रचंड देव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो इन छोटी जात वालों की चाल में खुद चला जाया करता था। मैं नहीं चाहूंगा, नहीं, भीमराव को खुद आना पड़ेगा मेरे पास। मेरा खौफ उसे खींच कर लाएगा। भीमराव वो आएगा मेरे पास, जरूर आएगा। नंदू काका के साथ जिसने भी गलत किया है वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींचना चाह रहा। जो व्यक्ति समाज में खुद की प्रतिष्ठा के प्रति सजग होता है वो व्यक्ति समाज में किसी दूसरे को रहने देना ही नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी कभी ऐसा कार्य कर देते हैं जो संतुलित विचारों वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। अगर आप ही उसके पास दौड़ते हुए चले गए तो संतुलन कहाँ है? इसलिए आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो संतुलन हो जाएगा। अब एक लंबी सांस लीजिए, लीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। रमा, रमा मेरा बेटा। रमा कहाँ है? रमा भीम को समझाने गई है, क्योंकि मैं भीम को अच्छी तरह से जानता हूं। नंदू के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए वो बेचैन होगा, दुखी होगा। रमा उसे समझाएगी, वो थोड़ा शांत रहेगा, और ऐसे कई मसलों पर शांत रहना उसे सीखना पड़ेगा। हमारा भीम कितना जल्दी सब कुछ सीख गया है ना, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हो गया। जब वो छोटा था
तब हम उसके बारे में जितना सोचते थे उससे भी वो बड़ी शख्सियत बनता जा रहा है। हाँ मेरा, दरअसल सबके हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन सबसे अलग बड़ी और मजबूत शख्सियत उसी की होती है जो सबसे अलग रहने का हौसला रखता, जो अपने हक के लिए दूसरों का सहारा ना लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ता, जो अपना रुख खुद बनाता और उस रुख पर कायम रहता। और अपना भी ऐसा ही है, और इस बात का मुझे गर्व है। मिल गया समाधान। आज तक मैं दूसरों के भीड़ में घुसकर अपने हक की बात करती रही, लेकिन अब मैं भीम की तरह ही अकेली खड़ी रहूंगी और अपने हक की बात करूंगी। इस घर में अपना रुख और अपने तेवर बनाकर रखूंगी। भीम की तरह ही अकेली खड़ी होकर अपना हक मांगूंगी। समझ में आ गया भीम, तुम्हारे इस घर में अपने हक पाने के लिए तुम्हारे कद का तुम्हारे जैसा होना ही जरूरी है। बाबा, भीम कैसा है? मैं समझाने गई थी उनको, थोड़े अशांत थे, उदास थे, लेकिन मैंने समझा दिया। अब शांत भी हो गए और ठीक भी है। अच्छा किया रमा, उसे समय समय पर समझाना ही चाहिए। फुलिया। तो जीजा भाई, आप एक बात बता, अगर मैं तुम लोगों जैसे कुछ काम करना चाहूं तो क्या करूं? फुलिया सुन, हम ना बाजार से सब्जी लेके आवा थे। हाँ ठीक। अरे बता। हम का बताए, और आपको का जरूरत आन पड़े काम करेगी? वो भीम सबको कहता रहता है आत्मनिर्भर बनो आत्मनिर्भर बनो, तो अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है, और भीम कहता है तो सही होगा, है ना? तो बता बता मैं क्या काम करूं? भुलिया सुन तो जरा, यहाँ। हाँ डलिया माँ, तब यहाँ बताए। मेघनाथ जी, धन्य है हम कि आप हमारे जात के नेता मिल गए। बस बस बस, हमारे पैर छूने से क्या होगा? ये बताओ कि तुम दोनों अपनी जात, अपने धर्म, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हैं मेघनाथ जी। कुछ भी कर सकते हो? जी मेघनाथ जी, कुछ भी कर सकते हैं। सुंदर, अति सुंदर, हमारे धर्म की धुरी तुम जैसे बहादुर और निडर लोगों के कंधों पर ही चला करती है। हेरो, तू रस्सी लेकर आओ। जी। चलो मेरे साथ। आप सबकी जान बचाइए भीम ने। और अगर सबसे आगे जाकर लड़ेगा तो नेता होगा, और जोकू काका सब लोग नेता को ही ढूंढते हैं। अरे तो समस्या भी पैदा तो यही करता है ना, तो समाधान भी इसे ही करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भीमराव, तुम जा करके उस मेघनाथ से मिल लो, नहीं तो वो एक एक करके ऐसे ही चार वालों को इसी तरह बुरी हालत करके यहाँ बेचता रहेगा।
लेकिन आखिर ये मेघनाथ है कौन जो इस तरह से हमारी चाल के लोगों को बार बार परेशान कर रहा है? पहले नंदू, अब ये जोकू, क्या दुश्मनी है उसकी इस चाल के लोगों से? दलिया अम्मा, मैंने तो ये भी सुना है प्रचंड देव के जेल जाने के बाद ऊंची जात के लोगों ने मेघनाथ को अपना नेता बना लिया है।